वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली। सो आज पहली बार दिवाली पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? सो आज मेरी आयान की मम्मी की पहली दिवाली होने वाली है गांव में। देखते हैं कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो सारा सामान हमने पैक कर लिया है, पूरा गाड़ी भरा हुआ है। आयान ने कम्बल ओढ़ के आराम से लेट। तो हम यहाँ से माला ले रहे हैं, दिखाते हैं आपको कितने सारे माला के वो लगे हुए हैं स्टॉल्स और ये सब। माला लेते हैं और फिर जल्दी से गाँव चलते हैं। फाइनली अब हम लोग कामा पहुंच चुके हैं। काम हमारे गांव से बस 15 मिनट ही दूर है। तो मम्मी पापा अभी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ हैं एंड बहुत सारे सामान है डेकोरेशंस के लिए भी। तो मम्मी गई हुई है मिठाइयाँ वो सब लेने, गिफ्ट लेने, क्योंकि गांव में देना भी तो है। एंड आज हम दादी के साथ एक प्रैंक करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दादी को नहीं पता है कि हम गांव आने वाले हैं। तो हमने उन्हें अभी नॉर्मली फोन पे बात करा और ये नहीं बताया कि हम गांव आने वाले हैं। हमने सिर्फ ऐसे दिवाली के लिए बोल दिया, विश कर दिया, जो हम यूजुअली करते भी हैं। तो अब हम दादी के साथ क्या प्रैंक करेंगे मैं आपको पहले बता देते हैं, फिर सीधा प्रैंक का आपको दिखाएंगे। तो प्रैंक में जो है हम गाड़ी पहले गेट से पीछे रोक लेंगे, फिर उसके बाद आयान और मैं दोनों पैदल गाड़ी वहाँ पे घर के अंदर चल के जाएंगे और दादी बैठी होंगी ऑब्वियसली। आयान चुपचाप आगे जाएगा और मैं वीडियो बनाते बनाते आयान के पीछे आऊंगी और आयान कुछ नहीं बोले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैंक। दादी नमस्ते। फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। पहले तो दादी पहचान ही नहीं पाई, वो आयान था। जब आयान ने पैर छुए तब दादी ने पहचाना कि ये तो हमारा आवी है। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। अब मैं कैमरा में मम्मी पापा को तो देखती रहूंगी, वो कपड़े लेने गए तभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी घर गंदा हो रहा है, बहुत ज्यादा डस्ट है, दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इतनी सारी डस्ट है, सब साफ करना है। सोफे पे भी है, टेबल पे भी बहुत ज्यादा डस्ट हो रखी है, बिस्तर पे भी इवन। ये देखो गद्दे पे, मैं दिखाती हूँ, ये सब डस्ट है। कोई बात नहीं, आज दिवाली है, घर की अच्छे से सफाई करते हैं एंड इसको डेकोरेट करके एकदम चमचम जैसा नया बना देंगे। एंड वो लोग अभी वहीं पे गाड़ी के पास खड़े हैं, ढंग से देखो तो दिख जाएंगे। आराम आराम से मैं इस पर्दे के धागे की धीरे धीरे सिलाई निकाल रही थी। पूरा आधा 5-10 मिनट लगे मुझे एक ही साइड का निकालने में और मम्मी ने लेके फाड़ दिया पूरे तीनों साइड का। मतलब सिर्फ 10 सेकेंड में मम्मी ने कर लिया, मैंने इतनी मेहनत करी। हाँ तो ये एक्सपीरियंस पहले ही बता देती, मेरी मेहनत बच जाती। मैं एक एक करके निकाला, मम्मी ने जल्दी कर दिया। सफाई हो गई, झाड़ू हो गया, पोछा लग गया, बाथरूम में भी सफाई हो गई है। अब अच्छे से सफाई ली, अब सोफों पे कवर भी लग गया है एंड सारी लाइट्स भी बाहर लगवाने के लिए भेज दी है। अभी बस थोड़ी सी और डेकोरेशन करनी है एंड उसके बाद पूरा घर डेकोरेट हो जाएगा अच्छे से। और
ओके जोक्स असाइड, मैंने भी बहुत मेहनत करी है। सारा सामान आ गया है, अब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शीशा लगा हुआ था हमारा, उसके आसपास हमने ऐसे गार्लैंड लगा दिए जो बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। फ्लावर्स लगा दिए, बहुत सारे डिब्बे खोलने बचे हैं। अब इन डिब्बों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम डेकोरेट करना है। यहाँ हमने मंदिर एरिया बनाना है, इसलिए सबसे पहले एक रंगोली यहाँ लगा दी है, टेबल लग गई है और ये लक्ष्मी के पैरों के निशान भी लगा दिए हैं। तो अभी और भी डेकोरेशन करते हैं। एंड अभी तो बहुत कुछ करना है यार, बाहर देख रहे हो अभी कितना गंदा हो रहा है। आई आने दो, तो भाग रहा है, अभी सफाई करते हैं। और ऐसे बना के एक दिया सा बनाए और ऊपर जाएगा ये तो। फाइनली गाइस, इतनी जंतोजहद के बाद हमने अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सारी लाइट्स लगाई हैं, ऊपर से लटक रही है, बहुत प्यारी लग रही है। लाइन में हमने पूरी लगाई है रंगोली। यहाँ पे मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि पहले ही दिल्ली वाले घर में मैंने रंगोली बनाई थी, जिसकी शॉट मैंने डाली थी और फोटो ये रही। तो इस बार हमने रंगोली यहाँ नहीं बनाई, हमने चिपकाई है, ये भी अच्छी लग रही है। एंड हमने ऐसे गेट को डेकोरेट करा है। फाइनली इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर दिवाली। सो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ फॉर द दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। तो अब वेट करते कि बाकी लोग भी रेडी हो जाएं, उसके बाद हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले, बहुत मजा आने वाला है। जाओ। So finally, अनियन भी हमारे साथ आ गया है, दिवाली के लिए रेडी हो। ओके, डांस करते पूजा हो गई है, अब चलते बाहर दिए लगाते हैं एंड फिर पटाखे भी फोड़ेंगे। सारे विक्ट्री करो, सारे करो। हाँ स्टार्ट है, चलो
चकरी अबे ये नहीं फटी है घुमाओ इसे नाम लिख अपना आराम से आराम से लगने दे आई दिवाली गाइज ये था हमारे दिवाली सेलिब्रेशन गांव में बहुत सारे पटाखे फोड़े बहुत सारे लोगों से मिला बहुत सारी मस्ती करी एंड फाइनली अब रात हो गई है नींद भी बहुत आ रही है खाना भी खा लिया था सो बाय गाइज मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो के साथ एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।